सुप्रभात प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में कस्तूरबा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई थी। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। ये श्यामपट पर जो शब्दार्थ हैं, पाठगत शब्दार्थ हैं, अर्थ इसके दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन इस अवतरण में, इस पाठ में जिस संदर्भ में चर्चा की गई है उसी के आधार पर ये शब्दार्थ दिए गए हैं। पिछले क्लास में कस्तूरबा के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि वह शारीरिक के कायिक जो अवस्था थी वह सामान्य नहीं थी, इसके उपरांत भी वह बड़े महत्वपूर्ण रसोई के कार्य क्या कहती थी और जो भी लोग आते थे यथेष्ट सेवा कर परोपकार का सदकर्म क्या कहती थी। साथ ही साथ कुछ ऐसे महान लोग थे जो वास्तव में उनसे कुछ भी प्राप्त कर लेना चाहते थे, प्राप्त होने के उपरांत स्वाभाविक रूप से वे अपने आप को धन्य मानते थे, समझते थे और कृतार्थ हो जाया करते थे। इसके पश्चात आगे का जो अवतरण है उसमें जिन बातों की जानकारी देनी है, वे भले ही अशिक्षित रही हों किंतु देश में जो चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वे प्रश्न पूछ पूछ कर या अखबारों पर नजर डालकर प्राप्त कर ही लेती थी। उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जो बिहार में चंपारण का आंदोलन था उस आंदोलन में महात्मा गांधी पहले चूंकि वहां पहुंचे हुए थे, अपने पुत्र के साथ वहां जाना और चंपारण के सत्याग्रह में 1917 ईस्वी में अभूतपूर्व सहयोग देना और वहां की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनना कस्तूरबा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वास्तव में वे वहां जाकर लोगों का संबल बनने का काम की, साथ ही साथ उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो उत्पीड़न था, शोषण था, उसके रास्ते प्रशस्त किए। साथ ही साथ उनके मन में जो दुर्भावना अंग्रेजों के प्रति थी, लोगों के समक्ष रह कर करके उन्हें और अधिक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागृत की। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो भी विषयगत जानकारी हुआ करती थी वह बहुत सूक्ष्म, महीन, जो बड़े कष्ट से दिखने वाला था उसको भी वह प्राप्त करना चाहती थी। प्राप्त करने का आधार लोगों से जानकारी प्राप्त कर लेना या अखबारों के माध्यम से उसे जानना समझना वह क्या करती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब दो तीन बार राज्य के परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों के अध्यक्ष का स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था, उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे कहना पड़ा था। मैंने उनसे कहा मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, आप जो बताएंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हां ना कहकर वे अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। वास्तव में वक्तृत्व कला एक संपूर्ण कला है जिसके माध्यम से लोगों को अपनी वाक्पटुता के द्वारा जो बिल्कुल गहरी बात है, जो बात देने समझाने लायक है, उसको वहां तक पहुंचाना होता है। और वह तब जब स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी जा रही बातों को समझाना, कहना
और राज्य स्तर पर अध्यक्षीय जो भाषण होते थे उसके मौलिक बातों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना यह सबसे जटिल कार्य था। लेकिन इसके उपरांत भी जब महात्मा गांधी जेल में या अन्य कारणों से जब अनुपस्थित हुआ करते थे तब वे स्वयं इस कार्य को क्या कहती थी, इसलिए अशिक्षित होने के पश्चात भी जो कार्य कस्तूरबा के द्वारा किया जाता था वह वास्तव में एक आदर्श था, एक ऐसा उत्कृष्ट कार्य था जो हम सबों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेखक महोदय वास्तव में उस विषय की जानकारी दे करके उनसे कहते हाँ ना में प्रश्न पूछ करके विषय को तैयार करते, लेकिन अपने तरफ से किसी भाषा को जोड़ने की बात वे नहीं कहते थे। लेकिन इसके पश्चात भी जो बात कस्तूरबा कहा करती थी, लोगों को समझाया करती थी, वास्तव में वह शैक्षणिक जो शक्ति थी, मानसिक जो बल था, जो उनका विवेक था, वह एक अभूतपूर्व था, आदर्श के योग था। उसे देख करके उनकी शक्ति का, उनके बल का और यथार्थ भाव का पता चलता था। इसके पश्चात मुख भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन सभा जब समाप्त होती है तब उसका अंत हर एक को अपनी तंत्र बुद्धि से करना पड़ता है। अंत के उनके भाषणों की बहुत ही आसान होती थी, किंतु अंत परिपूर्ण सिद्ध होता था। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। मुख भाषण किसी से लिखवा लेना सबसे सरल कार्य है और उसको बोल देना भी सबसे सरल कार्य है, लेकिन जब भाषण को हम समाप्त करते हैं तो अपने विवेक से उस भाषण का जो सार है, सारांश है, निचोड़ है, यथेष्ट जो भाव है, उसको कहना अपने तत्कालीन बुद्धि के द्वारा बड़ा ही असहज कार्य है। लेकिन इसके पश्चात भी कस्तूरबा इस कार्य को बड़ी सरलता के साथ, शीघ्रता के साथ, उत्कृष्टता के साथ कर करके यह दिखाती थी कि वास्तव में उनकी जो समझ भाषा की, विवेक की और उस विषय की है वह सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उदात्त, पवित्र, शुद्ध और सात्विक है और एक ऐसे बल की भांति है जो लगातार अध्ययन कार्य करके निरंतरता के साथ इस कार्य को किया हो। स्वाभाविक रूप से यह कार्य कस्तूरबा में हमेशा देखने को मिलता था। आज के जमाने में स्त्री जीवन संबंध के अपने आदर्श हमने काफी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें न दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उसका स्मारक बनाने का तय किया और शहर इकट्ठी न हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। आज जो हमारी समाज में महिलाएं हैं, यदि उनके जीवन चरित्र को देखें, समझे, पढ़ें तो स्वाभाविक रूप से वे इस आदर्श को स्थापित करने में बहुत समय लेती हैं और वे स्त्रियां जो सामान्य शिक्षा ग्रहण नहीं की हों उनके साथ यह मुश्किल का कार्य और बढ़ जाता है। वास्तव में आज कोई स्त्री कस्तूरबा की भांति अशिक्षित होकर के इतने बड़े महत्वाकांक्षी कार्य को करने में सफल और सक्षम हो यह निश्चित रूप से एक अलग अध्ययन का विषय हो सकता है। लेकिन कस्तूरबा ने ऐसे कार्य को करके जीवन को कृतार्थ किया, अपनी यश और कीर्ति में बढ़ोतरी की और स्वाभाविक रूप से जनमानस पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है, वह छाप अमिट है। और स्वाभाविक रूप से जब इनकी मृत्यु हुई तब ये महात्मा गांधी की गोद में ही थी। स्वाभाविक रूप से मृत्यु के समय इनकी जो यथार्थ भाव थे वह अत्यंत दयनीय थी और वह बताना चाहती थी, कहना चाहती थी, शायद वह बता और कह नहीं पाई। लेकिन इसके उपरांत महात्मा गांधी के शब्द कि मेरे जीवन की कल्पना बा के बिना
अपूर्ण है, मन को झकझोरता है। 22 फरवरी 1944 को इनकी मृत्यु निश्चित रूप से हम सबों के लिए एक अत्यंत दुख का विषय रहा, लेकिन इसके पश्चात भी किसी व्यक्ति ने उनकी यश की, उनकी कृति की इतनी कामना नहीं की थी जितनी हो पाई। उसका एक आदर्श उदाहरण तब देखने को मिला जब इनके स्मारक को बनाने के लिए इतनी धन इकट्ठी हो गई जिसकी किसी ने अंदाज तक भी नहीं की थी। यह इस देश में उनकी लोकप्रियता का, यह उनके यशस्वी स्वभाव का और उनके आदर्श को निश्चित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है और इनके जीवन के इस मूल्य भाव को उतारने के लिए हमें प्रेरित करता है। स्वाभाविक रूप से यह महात्मा गांधी की धर्मपत्नी होने के नाते नहीं, बल्कि अपने सदव्यवहार के कारण, सदविचार के कारण और सदकर्म के कारण हमारे अंतःकरण में बसी हुई हैं और आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। विशेषकर विद्यालयों में इनके नाम का जो विद्यालय है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वह आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। बालक बालिकाएं इस विद्यालय में पढ़ करके निश्चित रूप से इनकी यश और कीर्ति में चार चांद लगा रही हैं। तो इनकी जीवन की चैतिक जो विचार है आज यहां तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद अगले क्लास में और नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।